कबड्डी के इतिहास में आपको माना जाता है वन ऑफ द बेस्ट रेडर्स ऑफ ऑल टाइम, उस हिसाब से इस बार कंपटीशन में दूसरे टीम्स ऑपोजिशन टीम्स आपको कितना चैलेंज कर पाए इस बार? देखो चैलेंज तो नए प्लेयर आते हैं जो चैलेंज तो करते ही हैं, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं कि मतलब ऐसे की ऐसे जैसे पहले रेडर थे ऐसे ही ऐसे बने रहे, कोशिश यही रहती है। आपका तैयारी कैसा था, क्योंकि इसके बाद नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ा सीजन आने वाला है कबड्डी लीग का, तो तैयारी कैसा? 2 दिसंबर से हमारी प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट हो रही है, तो तैयारी हम जैसे कैंप लगे हुए हैं, कैंपों में भी तैयारी लगी हुई, नेशनल गेम्स चल रहा साथ में, तो यहाँ भी आए हैं, तो मतलब तैयारी चलती रहती है। एक बात बताइए, आपका सफर कैसा रहा? क्योंकि कुछ दिन पहले मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, अखबार में, जहाँ पे आप कह रहे थे कि 10 साल आप गुजर दिए एज अ प्रोफेशनल कबड्डी प्लेयर। ये सफर के बारे में थोड़ा बताइए, हाईज एंड लोज कैसा रहा आपका सफर? देखो ये तो मतलब पहले गांव में खेलते थे, कहीं टूर्नामेंट खेलते थे, जब प्रो कबड्डी आने बाद मतलब कबड्डी या पता लगा कि मतलब कबड्डी भी कोई चीज़ है, नहीं तो पहले इतना कोई कबड्डी को देखता नहीं था, अब तो प्रो कबड्डी आने बाद हर एक गांव में हर एक शहर में कबड्डी कबड्डी होती रहती है। ये आपको जो ये जो नाम से मीडिया कहते कहो फैंस कहो, ये जो नाम आपको दिया गया था डुबकी किंग, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखो आप सही में डुबकी किंग हो। देखो पहले कोई मतलब कबड्डी में इतनी दुबकियाँ नहीं लगाता था जी, मैंने मतलब वो स्टार्ट किए हैं दुबकियाँ लगानी, तो मतलब कोई पहले वो कोई सीनियर पहले खिलाड़ी होते थे वो कोई मारता था सुनी थी मैंने, तो मैंने प्रो कबड्डी में मैंने स्टार्ट किया मतलब दुबकी मारनी, तो इसलिए मेरे को दुबकी किंग कहने लगे। अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि देखिए कबड्डी 1-on-1 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, बहुत फिजिकल स्पोर्ट है, और लोगों को अच्छा लगता है, पसंद लगता है हेडलाइंस देखने के लिए, ए वर्सेस बी या सी वर्सेस डी, तो अगर आपसे पूछा जाए आपके पीक में आपका बराबरी वाला प्लेयर, आपको टक्कर देने वाला प्लेयर, अगर आपको मैं कहूं कि 3 या 5 नाम बताओ जिसको आपको देख के लगा कि हाँ भाई ये बंदा मेरे से बराबरी कर पाता है, इसका नाम बताओ। कौन से राउत है, वो नवीन है, और भी असलम भी आया है, और भी कई खिलाड़ी हैं, मतलब नए नए खिलाड़ी आते हैं उठ के, तो वो ऐसा लगता है कि टक्कर हो सकती है। और अभी भी आप वो एंजॉय करते हो? मनिंदर भी है, मनिंदर मेरा खास दोस्त भी है, वैसे जी, जी। सबसे अच्छा दोस्त वही है। इंडिया भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया एशियन गेम्स में, तो इस बात को देख के आपको जितना खुशी भी मिला होगा, लेकिन आप एशियन गेम्स इंडियन टीम में नहीं हो, इससे आपको क्या लग रहा है कि आपको कमबैक करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कमबैक करने के लिए, क्योंकि इंडिया टीम में पहले था मैं, अब की बार इंडिया टीम की तरफ से नहीं खेल पा, तो यही है कि मतलब कोशिश करूँगा अगली बार जो भी होगा तो मतलब इंडिया टीम में ही रहूँ, वर्ल्ड जैसे कि वर्ल्ड कप है तो अपना मतलब बैक टू बैक मतलब प्रैक्टिस करूँगा, अपना मतलब तैयारी करूँगा अच्छी। क्या आपको लगता है कि कमबैक करना इतना आसान नहीं है, इस कारण कि नए जो यंगस्टर्स आ रहे वो भी इतना कॉम्पिटिटिव बना दिया कि वापस आने में अगर आप जैसे लेजेंड को भी काफ़ी दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत नहीं है, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत छोड़ देंगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक पहुँच पाए हैं, मेहनत के साथ साथ सभी कुछ हो जाता है। अब देखो तो मतलब ये सुरेंद्र नाड़ा देखो अभी तक भी खेल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, राजेश नरवाल है अब भी खेल रहा है, नेशनल गेम में भी आ रहे हैं, तो मतलब मेहनत के ऊपर बात होती है, मेहनत करते रहोगे तो अपना मतलब नाम रहता रहेगा। आखिरी सवाल आपको, बहुत छोटे बच्चे जानना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज कि अगला प्रदीप नरवाल जिस बच्चे को बनना है खास करके, उनको आप क्या कहोगे, उनको करना क्या? यही कहूँगा कि अब मतलब देखो जो भी काम है जो भी गेम है कोई भी गेम लेगा आप देख लो, तो उसमें अपनी जी जान लगा दो, उल्टी सीधी बातों छोड़ के अपने मतलब गेम पे फोकस करो, जो भी फोकस हो इस पर अपना ध्यान दे दो, प्रदीप नरवाल से भी ऊपर बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है, दैट्स द मार्क ऑफ ह्यूमिलिटी इन अ ट्रू चैंपियन, द किंग ऑफ द रिंग, द डुबकी किंग प्रदीप नरवाल, स्पेयरिंग अ लिटिल टाइम फॉर अस अहेड ऑफ हिज ऑल इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल गेम। थैंक यू वेरी वेरी मच प्रदीप, आई एम होपिंग वी कैन गेट टू सी यू बैक इन द इंडियन टीम सम टाइम अगेन। थैंक यू वेरी मच। तो अभी आप प्रदीप नरवाल को सुन रहे थे जो हरियाणा के दिग्गज खिलाड़ियों में से है, हालांकि आज उनको बेंच पर बैठाया गया है, लेकिन इसी बीच दूसरे हाफ की शुरुआत हो चुकी है और दूसरे हाफ में महाराष्ट्र एक अच्छा अंक अर्जित करता हुआ सुरिंदर को लेकर वापस लौटे हैं यहाँ पर आदित्य शिंदे, और वही बहुत सही शुरुआत जिस तरीके से ये कोशिश आई थी। अब गुमान सिंह एक बार फिर से हरियाणा के लिए, और ये बढ़त जो है उसको बनाए रखने की कोशिश, हालांकि वहां पे टच आया नहीं है जिस तरीके से
असलम है वहां पे, उन्होंने हाथों से इशारा किया कि टच आया नहीं है, आप घबराइए मत, मैं हूं इधर, खाली हाथ से लौटना पड़ेगा। और अब एक बार फिर से उसी चेहरे पर नजर, आदित्य शिंदे, क्या कमाल का प्रदर्शन अभी तक देखा है हमने उनकी तरफ से। सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी फॉर हरियाणा, यस दे गेट इट एब्सोल्युटली, व्हेन यू गॉट द रेडर्स बोथ लेग्स, नो चांस फॉर आदित्य शिंदे टू गेट बैक। हरियाणा कमिंग बैक स्ट्रांगली वंस अगेन, पिक अप टू पॉइंट्स ऑन दैट टैकल, ऑन अ सुपर टैकल, three of your defenders on the court, tackle earns you 2 points, one revival but one extra point. Now the nerves will be much calmer. Mohit Goyal, regular raider, back on court. They also have Jaideep and Guman Singh, 4 on defense for Haryana. Aslam Inamdar on raid. Aslam, अभी तक उस तरीके का प्रदर्शन हमने देखा नहीं है इस सेमीफाइनल मुकाबले में, लेकिन उनमें बहुत कुछ काबिलियत है। तो टच करने की कोशिश थी लेकिन वो मौका मिला नहीं, लगातार वो राइट कवर के क्षेत्र में वो अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन कामयाबी मिली नहीं, और खुद को बड़ी चालाकी से वहां पे मोहित ने बचा के रखा और खाली हाथ लौटना पड़ा वहां पे असलम को। एक बार फिर से मोहित गोयत, इनका प्रदर्शन जरूर आज तारीफ के काबिल रहा है, कुछ अच्छे रेड पॉइंट्स हासिल किए हैं। और इस समय ये मुकाबला नजदीक जाता हुआ जिस तरीके से हाफ टाइम पर 20-16 से लीड कर रही थी, और अब एक बार फिर से बड़ी चालाकी से आकाश शिंदे आए और गए, क्योंकि पता है उन्हें अगली रेड डू और डाई की है, और डू और डाई की सिचुएशन से टच क्लेम करते हुए गुमान सिंह बड़ी आसानी से यहां पे अकरम शेख को उन्होंने हैंड टच किया, और देखिए किस तरीके से टर्न किया और वो टच क्लेम करके आसानी के साथ वापस लौटे। हरियाणा टेकिंग एडवांटेज ऑफ सम हाई डिफेंडिंग बाय महाराष्ट्र। आकाश शिंदे ऑन रेड, बोथ लेग्स टेकन, वंडरफुल डाइव बाय जयदीप, primarily a raider, but this time look at his dive, double knee hold. Akash Shinde has absolutely nowhere to go, floored, and that brings who on court? Rajesh Narwal, the Haryana captain and leader. 8 points the advantage for Haryana. They started 1-6 deficit, and from there they have not looked back. Drew level at 6-6 and have moved ahead now, lead by 8. Aslam Inamdar has to deliver. Going more for the kicks. And Haryana seem to have worked it out. Yes, they have. Another dive on the legs. Double knee hold once again. Look at that. Double knee hold. Job done. Aslam Inamdar told to leave the court, the correct procedure to be followed. Guman Singh, 3 on defense for Maharashtra. They have a super tackle opportunity. Can they pick up the extra point? और इसके लिए उन्हें इस खिलाड़ी से पार पाना होगा। गुमान सिंह ऐसी परिस्थितियों से बड़ी भांति वाकिफ हैं, और वो अपॉर्चुनिटी फिलहाल के लिए तो हाथ से निकल गई है। लेकिन एक बार फिर से अभी एक नंबर की जर्सी में शंकर आए हैं महाराष्ट्र के लिए, और उनके पास एक लंबी फौज खड़ी है हरियाणा की, जिससे पार पाना होगा, लेकिन कुछ मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। और अब रेड सिंह एक बार फिर, क्योंकि अब है बारी एक बार फिर से डू और डाई की सिचुएशन, और इस सिचुएशन से निकलने का मौका है। कॉर्नर तक, राइट कॉर्नर तक लेके आए हैं यहां पर, लेकिन क्या बड़ी आसानी के साथ एंकल होल्ड किया शंकर ने, कमाल का एंकल होल्ड, और कोई जवाब नहीं था गुमान सिंह के पास। देखिए कितनी फुर्ती दिखाई वहां पे, गुमान सिंह कुछ कर ही नहीं पाए। और एक बार फिर से आदित्य शिंदे, इस बार कीजिएगा राजेश शिंदे
के पास मौका है और छह खिलाड़ी समय कोर्ट पर मौजूद है। यहां पे टच क्लेम करने की कोशिश थी लेकिन खुद ही आउट हो गए। वो लॉबी में जाना बिना टच के खतरे से खाली नहीं है और वही कुछ होता हुआ देखिए। टच तो क्लेम करना चाहते थे लेकिन बैलेंस बिगड़ा और खुद लॉबी में जाके खुद को खतरे में डाला। Another super tackle opportunity for Maharashtra. Aditya Sheikh has just come back and then went off court. So it's the same trio who had trapped Guman Singh, but Rajesh Narwal does not have a do or die rate, so he doesn't have to score points. Just running the clock down. No need to take a risk. Now Shankar Gadai, a regular defender, has to raid for Maharashtra. Haryana defense keeping a close eye. Saurabh on the right corner, Surinder on the left corner. Wouldn't go deep. Challenge now again on Guman Singh. Chance for him to redeem himself. Last time he was taken out by Shankar Gadai. Will he try and challenge him again? Sometimes it happens, Vikas. Same players will try the same things. और इसीलिए फंस भी जाते हैं। मुझे लगता है उस टैक्टिक से बड़ी अच्छी से वाकिफ होते हैं विरोधी टीम के खिलाड़ी। और इसी बीच ये टाइम आउट लिया गया है और टाइम आउट लिया गया है हरियाणा की तरफ से, हरियाणा के कोच जगपाल। वो इन्होंने टाइम आउट लिया है और जरूरत भी है क्योंकि वो मोमेंटम जो इस टीम को मिला है उस बरकरार रखना चाहते हैं। इस समय हरियाणा 27-19 से इस मुकाबले में, सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल है पुरुष वर्ग में, उसमें लीड करती हुई। जस्ट टू रिमाइंड यू द सेमीफाइनल आफ्टर दिस विल हैव सर्विसेज टेकिंग ऑन चंडीगढ़। सर्विसेज फिनिश्ड नंबर 1 अहेड ऑफ हरियाणा। देयर लीग मैच वाज टाइड 34 ऑल। चंडीगढ़ वर साउंडली थ्रैश्ड बाय महाराष्ट्र। Maharashtra took top position in their pool. Do or die raid now for Mohit Goyat. This time Shankar Gadai is in a chain. And Kiran Magar, the captain, on the left corner single-handedly. Kiran Magar goes for the dive. Get the 2 points again. Super tackle cashed on. Lead down to 6. Is this the chance for revival? Player down. That's Kiran Magar on the mat. The player who had attempted the tackle possibly got crushed under the weight of his own players. And Haryana, meanwhile, have asked for a review. Video referral. Kiran Magar had gone out, they claim. Kiran Magar possibly had gone out. That's what Haryana claim before the tackle was made. Now, if that has been the case, let us see where the tackle began. Not where it ended. We'll have to clearly see where the tackle started. The right foot. Kiran Magar's right foot. Was it over the line or inside? The back foot, yes. Review overruled. Foot was on the line, not across the line. On the line is not out. This is the Haryana women's team, which will be playing the final tomorrow, watching the men's team in action. Now Maharashtra on a do or die raid. Bonus is available. 6 players on the court for Haryana. Tejas Patil got 2 tough corners to contend with. Running hand touch attempted.
Rajesh Narwal waving the right corner back and almost a wrestling type takedown by Jaideep under the armpits. Look at the hold under the armpits. Nowhere to go for Tejas Patil. Lead back to 7 for Haryana. और 7 अंकों की इस बढ़त को बनाए रखने के लिए पहुंचे हैं जुवान सिंह. सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी है हालांकि महाराष्ट्र के पास. वो स्कॉर्पियन किक लगाने की कोशिश लेकिन को बचाया वहां पर बड़ी आसानी से मयूर कदम ने. और खाली लौटेंगे यहां पर जुवान सिंह एक बार फिर से. अब अकरम शेख आए और बड़ी आसानी के साथ गए क्योंकि उनको पता है कि ये सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको सुपर टैकल के जरिए ज्यादा अंक मिल सकते हैं और उस सुपर टैकल से खुद को बचाने की कोशिश में अटैक कर रहे हैं इस समय गुमान सिंह. कोशिश है क्या यहां पे अंक लेकर लौटेंगे. बिल्कुल गुमान सिंह ने बड़ी आसानी के साथ अकरम शेख को छकाया और लेकर लौटे एक अंक अपनी टीम के लिए अहम अंक जुटाते हुए. और एक बार फिर से अब ऑल आउट का खतरा महाराष्ट्र के ऊपर. मयूर कदम इस ऑल आउट के खतरे को खोया और टच बोनस क्लेम किया है यहां पर और बड़ी आसानी के साथ वो बोनस जाने भी दिया हरियाणा ने क्योंकि उनको पता है कि यहां पर रिस्क लेने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं. फिर से एक बार गुमान सिंह सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी है लेकिन उस सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी से ना सिर्फ अपने आप को निकाला बल्कि एक बार फिर से मयूर कदम को छकाते हुए वापस लौटे. कैप्टन फॉर महाराष्ट्र किरण मगर लास्ट मैन स्टैंडिंग. कैन ही डिले कैन ही प्रिवेंट नो ही कांट डू नाइदर. सुरेंदर विद द परफेक्ट एंकल होल्ड. And this is the second all-out inflicted on Maharashtra. Score 33-22 in favor of Haryana. Now Haryana has got this semi-final on a firm grip. Lead in double figures. Rajesh Narwal ready to raid. Referee not happy, possibly some not very satisfactory language used by the Haryana players. ...11 points the lead for Rajesh Narwal and his side. And a lot of credit must go to him as well, the way he led his team from 1-6 down to 3 men back into the match, got an all out. Went into the lead at half-time and has now only increased that lead to 11. बिल्कुल और उनको पता भी है कि कब समय काटना है कब ज्यादा तेजी दिखानी है और इस समय आदित्य शिंदे इस बढ़त को कम करने की कोशिश में और जो वो राइट कवर की पोजीशन है वहां से ये टच क्लेम किया है क्या एंकल होल्ड करने की कोशिश में खुद ही जी नहीं वो टच क्लेम किया है और बिल्कुल यहाँ पर वापस बैठना पड़ेगा सौरभ को. देखिए किस तरीके से वो जब एंकल होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे तो दुविधा में थे और इसी वजह से वो टच आया और अंक मिलता हुआ वहां पर. यहाँ पे एंकल होल्ड अच्छी तरीके से किया गया दमदार प्रदर्शन शंकर गदाई ने वो एंकल को होल्ड किया और छोड़ा ही नहीं इस वजह से ये अंक मिलता हुआ महाराष्ट्र को अहम अंक. 9 अंकों की बढ़त अभी भी है वैसे हरियाणा के पास. आदित्य शेख आदित्य शिंदे रनिंग हैंड टच टेकन आउट वार्निंग फॉर जयदीप द वे ही स्लैम्ड आदित्य शिंदे ऑन द मैट. प्लेयर्स हैव टू बी केयरफुल 1 point ईच. Umpires have ruled 1 point each. Jaideep had gone off the court. His knee was still there. Didn't take a review. If Haryana had taken a review, they would have not lost that point. But they're sitting on a
good lead. Rajesh Narwal, his professional kabaddi experience coming to good stead. Aslam Inamdar has been a pale shadow of himself, what he shows, the bag of tricks he brings to the professional league, has been completely subdued by the Haryana defenders. Once again, the diving tackle on Aslam Inamdar works to perfection. Aslam Inamdar may be picking up points in defense, but in raiding, he has been found wanting time and again. Haryana bench being warned by Azam Khan, second umpire, umpire number two, to not shout instructions during the raid. Guman Singh on raid for Haryana. And bilkul Haryana, jis bench par Pradeep Narwal jaise अनुभवी खिलाड़ी हो और उस बेंच पे हलचल तो होगी, कितना सारा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं पिछले दो मुकाबलों से। हालांकि हम देख रहे हैं कि उनको बेंच पे ही बैठाया जा रहा है और उनका अनुभव, अपार अनुभव कबड्डी की दुनिया में लेकर आते हैं। और यहां पे एम्प्टी रेड आती हुई, गुमान सिंह गए थे और एक बार फिर से अब महाराष्ट्र की तरफ से ये कोशिश है, लेकिन क्या क्लेम किया है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, टच किए गए हैं और उनको बाहर लौटना पड़ेगा। आकाश शिंदे देखिए टच लेकर लौटे, सही से टैकल नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से वहां पे धकेला गया, डैश किया गया, वो उनको आउट होना ही पड़ा। फिलहाल गुमान सिंह एक बार फिर से डू ऑर डाई की सिचुएशन है यहाँ पे, ये चेन को ब्रेक करने की कोशिश थी डिफेंस की, लेकिन वो चक्रव्यूह में फंसे और जब चक्रव्यूह में फंसे तो वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल था गुमान सिंह के पास। डिफेंस पूरी तरीके से चौकन्ना, नियरली गॉट अवे देयर गुमान सिंह, कंप्लीटली रॉन्ग फुटेड द महाराष्ट्र डिफेंस। Maharashtra has to do something and do it very, very quickly. 10 points the difference. 4 minutes 43 seconds remaining on the clock, which means each team will have at least 9 raids each, if not 10. And that is what time they have to get through this. Get past the 10-point lead and go ahead for Haryana. Ravi, भर भर के दर्शक पहुंचे हैं इस मुकाबले को, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये गोवा में मुकाबला हो रहा है, ऐसा लग रहा है या तो महाराष्ट्र में हो रहा है और नहीं तो ये हरियाणा के किसी जिले में हम खेल रहे हैं। दोनों टीमें बहुत ही सुदृढ़ और इस वजह से इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़बरदस्त। दोनों टीमों में सितारों की कोई कमी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चमक बिखेर चुके हैं और उसमें से एक सितारा ही आपकी स्क्रीन पर आदित्य शिंदे, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, टच क्लेम किया है और टच आया भी है और यहाँ पे लौटना पड़ेगा सौरभ। वो हैंड टच बड़ी आसानी के साथ हासिल करते हुए जो गति दिखाई, वो दो खिलाड़ियों को लेके गए हैं, तो ना सिर्फ सौरभ बल्कि मोहित गोयत को भी वो लेके गए थे। और फिलहाल इधर अटैक पे आए हैं, रेड डालने आए हैं कप्तान राजेश नरवाल। कप्तान इस समय अपनी टीम को बेहद सही तरीके से लीड करते हुए, लेकिन इस समय महाराष्ट्र की अगर बढ़त देखें, महाराष्ट्र के पास वो बढ़त बनाने का या बराबरी हासिल करने का जो मौका है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 8 अंकों का फासला है, लेकिन घड़ी की सुई इस बात की तरफ इशारा करती हुई कि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है और अपॉर्चुनिटी यहाँ कन्वर्ट होती हुई पॉइंट में, यहाँ पे लौटना पड़ेगा जयदीप को, बेंच की शोभा बढ़ानी पड़ेगी। अब यंग रेडर जयदीप over eager to dash, went too close to the center line to attempt the dash, paid the penalty, and now the lead down to 7. Rajesh Narwal on raid. Maharashtra have a full complement of all 7. Full house for Maharashtra. Rajesh Narwal, last 3 minutes, that's the call from the scorers table. Super tackle opportunity for Haryana.
आकाश शिंदे ट्राइज अ रादर एम्बिशियस स्कॉप इन किक, नो स्कोर. राजेश नरवाल टू और डाई रेड हरियाणा. दिस इज अ वेरी क्रूशल रेड, कुड प्रूव डिसाइसिव. गेट्स अ टच राजेश नरवाल एंड पुश्ड बैक बाय अकरम शेख, बट हाउ क्रूशल इज दैट पॉइंट. आदित्य शेख केम इन रनिंग फुल स्पीड एंड वाज सेंट आउट फुल स्पीड. देखिए कितनी चालाकी दिखाई जब देखा कि थोड़ा सा जश्न मनाने के चक्कर में लगे हुए हैं हरियाणा के प्लेयर. बहुत तेजी से आए थे वहां पे आदित्य शिंदे, लेकिन उतनी तेजी से उन्हें पेंच की तरफ जाना पड़ना. और घड़ी में अब जो समय बचा है इस मुकाबले के अंदर वो सिर्फ 2 मिनट से कम का है और अंकों का फासला 9 अंकों तक जा पहुंचा है. हरियाणा के पक्ष में अभी ये मुकाबला जाता दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि पिछले नेशनल गेम्स में जो कमाल नहीं कर पाई थी हरियाणा, क्या इस बार वो काम करने वाली है? क्या स्वर्ण पदक की जब टक्कर होगी तो वहां पे एक टीम हरियाणा की होने वाली है. अगले 1 से 1.5 मिनट में इसका पता चल जाएगा. फिलहाल टाइम आउट लिया गया है. टाइम आउट कॉल्ड बाय महाराष्ट्र. दादू सोहवाद इशूइंग फाइनल इंस्ट्रक्शंस, बट आई थिंक दे हैव मिस्ड द बिग वन. व्हेन हरियाणा वर डाउन टू 3 and Rajesh Narwal came on a do or die raid, that touch on Akram Sheikh, that proved to be the crucial one. Maharashtra was completely rattled. The effect was that Aditya Shinde went for a wild raid. Another wild raid. Akash Shinde jumps at Surinder. Surinder avoids him. There you see Akash Shinde making a jump. Surinder evades that kick and Akash Shinde lands in the lobby. Thank you very much. Goodbye. और देखिए समय की खपत किस तरीके से की जाती है. राजेश नरवाल इस बात को बताते हुए लास्ट 1 मिनट बचे हुए हैं, आखिरी कुछ सेकेंड्स, और हरियाणा आपको फाइनल खेलती नजर आने वाली है. महाराष्ट्र को हराएगी ये टीम जिसने लीग में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया था. पंजाब को बड़ी आसानी से हराया, तमिलनाडु को पटकनी दी है, उसके बाद चंडीगढ़ पर भी बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन आज उनका सफर यही थमेगा और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ेगा क्योंकि हरियाणा ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया है. 30 सेकेंड से भी कम समय बचा हुआ है और पूरा समय ले रहे हैं, और यहाँ समझ में ये नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र क्यों समय ले रहा है. क्या उनको भी इस चीज़ का इल्म हो गया है कि ये मुकाबला उनके हाथों से निकल चुका है? और बिल्कुल ऐसा लगता भी है. हरियाणा के पास डू और डाई की सिचुएशन है, लेकिन इस सिचुएशन से नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि 5, 4, 3, 2, 1 और AI क्या रेफरी की विसिल आने वाली है? बिल्कुल आने वाली है और ये नतीजा जाता हुआ हरियाणा के पक्ष में. हरियाणा ने महाराष्ट्र को हराकर फाइनल में जगह बना ली है पुरुषों की इस कबड्डी प्रतियोगिता के अंदर. 39-30 से महाराष्ट्र को शिकस्त दिया है हरियाणा ने. बधाई बहुत बहुत हरियाणा आपको फाइनल के लिए. वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय हरियाणा, controlled absolutely and winning the semi-final 39-30. Great performance, great leadership by Rajesh Narwal for Haryana, led from the front and made Haryana gave Haryana the chance to fight for gold. Chance to look at the highlights now. Haryana in the second half were fighting hard, the defense working like a unit, and then a double. There you see Aslam Inamdar being kept quiet, wasn't very successful in attack today, and one of the reasons was Haryana number 6 Saurabh, who had a number on him. Guman Singh this time taken out by Shankar Gadai of Maharashtra on a do-a-right.
So Haryana showing great court craft and also some good planning. Came back from 1-6 down. This was the attack on Haryana captain Rajesh Narwal. That was Mohit Goyat. But Haryana were all over Maharashtra, winning the semi-final by a whopping 9 points. And that showed that Aditya Sheth, Aditya Shinde, taken out completely. Back kick. Suman Singh nearly got away. Changed route. Final fight by Akash Shinde. And then over eager to dash. Saurabh made a mistake. Akash Shinde makes a mistake. And finally, Haryana prevailed in the semi-final 39-30. So that semi-final done and dusted. Semi-final won by Haryana. Haryana 39, Maharashtra 30. We'll be back with the second semi-final between Services and Chandigarh, 4 p.m.